सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है सवाल जवाब का, ये इतना खूबसूरत है, यकीनन इतना खूबसूरत है। अल्लाह इसको हमेशा के लिए बरकरार रखे, हमेशा के लिए इसका सफ़र हमेशा ही चलते रहना चाहिए। 100 एपिसोड हुए हैं अभी तो, ये ज़िंदगी भर चले तो बेहतर है, क्योंकि पता नहीं ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ संवर रही हैं, गलतियाँ सुधर रही हैं। मेरे घर में अगर कोई एक भी सुन लेता है ना, तो वो 4 लोगों को बताता है, वो घर में सभी को बताता है। बाज़ दफ़ा फ़ोन करके भी खाला को बताया जाता है, मुमानी को बताया जाता है कि नहीं हम ऐसा करते थे ना, ये ऐसा नहीं है, मुफ्ती साहब ने ये बताया है। और अब नौबत तो इस तरीके की है कि अब आप सिर्फ महज मुफ्ती साहब नहीं रहे, अब आप एक भरोसे का ब्रांड बन चुके हैं कि मुफ्ती साहब ने कहा है, चलो अब इत्मीनान है, अब यकीन है। धीरे धीरे इस 100 एपिसोड के साथ साथ आप मुफ्ती से हमारा एक भरोसे वाला ब्रांड बन चुके हैं कि महज आपको सुन लिया काफ़ी है, इत्मीनान है कि हाँ अब ये बिल्कुल सही है। और गली मोहल्ले में भी क्या होता है कि जब औरतें बैठी रहती हैं तो क्लिप चला दी जाती है कि देखो मौलाना साहब ने बताया है, अच्छा ये कासिम जी ने बताया है, फिर तो ये बेहतर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बनाई है, और अल्लाह आपको कामयाब रखे इसके लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने बहुत कम टाइम दिया है बात करने का, एक्चुअली क्या लग रहा है कि आपने ये ज़रिया मिल गया है ना बात करने का, तो बहुत सारी आपसे बात कर ली जाए, बहुत सारी बात करनी है। चलो अब इंशाल्लाह फिर कभी होगी, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसको कायम रखिएगा, क्योंकि हमें ऐसे ना से हम औरतें कहीं और तो जा नहीं पाती, तो एक ये ज़रिया मिल जाता है आपसे पूछने का और बात करने का। तो बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़ुबान में इतनी तासीर है नहीं, बट फिर भी आपके लिए दुआएं ही निकलती हैं। मेरी अम्मी भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं, हम लोग भी आपने दुआओं में हमेशा के लिए जगह बना ली है कि अब हमेशा याद किया जाता है आपको। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ साथ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि अब मैंने पहला एपिसोड से सुना था और इतनी जल्दी 100 एपिसोड हो गए हैं, और टाइम भी पूरा चला गया, 2 मिनट से ज़्यादा हो गए और बातें बहुत सारी रह गई हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर कभी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, और मैं शबाना दिल्ली से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस्लामिक जोन चैनल मुफ्ती एम कासमी यानी मुफ्ती अमीर मुआविया कासमी फिरोजाबादी को का खूब इस्तकबाल करते हैं, उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो जितने भी चैनल चला रहे हैं अल्लाह ताला ने उनको तमाम ही चैनलों में कामयाबी से हमकिनार फरमाया है। अल्लाह ताला नजर बस से उनकी हिफाजत फरमाए, उनका साया तादेर कायम फरमाए। उनके ज़रिए से बहुत से लोग जो दीन से हटे हुए थे, उनके ज़रिए से बहुत से लोग जो नमाजों से दूर थे, तिलावत से दूर थे, तरावी से दूर थे, और इसी तरीके से रोज़ों से दूर थे और ऐसी इबादतों से दूर थे जिनका करना ज़रूरी है, तब उन्होंने अपने चैनल के ज़रिए से लोगों तक दीन की बात को पहुंचाया। अल्लाह ताला उनके इस दीनी खिदमत अंजाम देने को बेहद कबूल फरमाए और इनके इस वसीले को, इस ज़रिए को तादेर कायम फरमाए। मैं अपनी जानिब से और अपने चैनल की दीनी मालूमात दूसरा नाम नगीना ऑनलाइन की जानिब से और उसकी पूरे सब्सक्राइब और टीम की जानिब से तहे दिल से एम कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुफ्ती एम कासमी साहब से एक बार फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि जब हज़रत के पास कमेंट आए तो जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश किया करें, इस वजह से कि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जो वीडियो के ज़रिए से नहीं दिए जा सकते, तो आप कमेंट में ही उसका जल्द अज जल्द जवाब दे दिया करें, ताकि जो बहन या जो भाई परेशान है अपने परेशानी को लेकर, मसले को लेकर के, तो उस परेशानी और उनके मसले का हल हो सके, तो आप उनके सवालों का जवाब दिया करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी परेशानी दूर। बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत लो लगा करके आपको वो सवालात भेजते हैं और आप उनके सवालात का जवाब नहीं देते, तो जिस वजह से उनको तकलीफ होती है, तो आप कोशिश ये किया करें कि हर कमेंट का जवाब चाहे वीडियो में ना हो लेकिन कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दी। मैं ये कोई तंज नहीं कर रहा हूँ या आपको परेशानी में नहीं डालना चाह रहा हूँ, बल्कि ये खैरख्वाही समझ लीजिएगा कि मैं अपनी जानिब से चाहता हूँ कि आप हर बहन और हर भाई का सवाल का जवाब दे दिया करें। मैं बहुत बहुत आपका ममनून और मशकूर हूँ, और आपको तहे दिल से फिर एक मरतबा अपनी जानिब और अपने चैनल की जानिब से तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस काविश और इस लगन को बेहद कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मौलाना एम कासमी, अस्सलामु अलैकुम। मैं शादाब खान पानीपत से, हरियाणा से।
मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी वीडियो, आपका जो सिखाने का जो तरीका है, कुछ जो भी आप सिखाते हैं वो बहुत नायाब है, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कुरान शरीफ या कोई दीनी बातें सिखा पाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और मैं पूरी इंडिया से अपील करना चाहूँगा और पूरे दिल से भाइयों से कहना चाहूँगा कि मुफ्ती मौलाना AM कासमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे उलमा बहुत ही मतलब किस्मत वालों से, मतलब किस्मत से पैदा होते हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं, पैदा होते हैं। ऐसे उलमा बार बार पैदा नहीं होते हैं। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा इसको सब्सक्राइब करें और इनकी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यारत करें इनकी, इन उलमाओं के इकराम की। बहुत अच्छे नेक काम कर रहे हैं। बरसों बाद कोई ऐसे उलमा मिले जिसे हम दिल से इनकी वीडियो देखते हैं, उनकी वीडियो से कुछ सीखते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं मौलाना AM कासमी। यही कहना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम जी मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं UP से हूँ। मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि आपके ज़रिए से काफ़ी दीनी तालीमात हासिल हुई और काफ़ी सारी जानकारी हासिल हुई। मसलक को छोड़कर हम सब को चाहिए कि सुन्नतों पर अमल करें और सुन्नतों पर चलें। खैर ये तो रही बात। बाकी दूसरी बात मुफ्ती साहब, मैं आपके वीडियो को देखकर शुरू से कुरान पढ़ना सीख रहा हूँ। हमारे लिए दुआ करें आप ताकि हम कुरान पढ़ना सीख जाएं। अल्लाह आपको इसी तरह आपसे दीनी तालीमात, दीनी काम लेता रहे और हम सब को दीन पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, सुन्नतों पर चलने की तौफीक अदा फरमाए। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। माशाल्लाह आपकी वीडियो देखते हैं हम और संडे कमेंट बॉक्स भी देखते हैं और आपसे बहुत सीखने को कुछ मिला है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ऐसी वीडियो बनाए और लोगों तक पहुँचाए। मुफ्ती साहब मैं महाराष्ट्र से हूँ, बीड से, मोमिनाबाद से हूँ। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम। मेरा नाम निजामुद्दीन अंसारी जूनापुर से। आपकी क्या खैरियत है, सब ठीक है ना? मैं आपका संडे कमेंट एपिसोड देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी भी होता है। और मैं आपका स्टूडेंट हूँ कुरान शरीफ का। मैं आपसे कुरान पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब मुझे दुख है कि आप मेरा कमेंट, मेरा सवाल आप शामिल नहीं करते हैं। मेरा भी सवाल शामिल करने की कोशिश कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज मुफ्ती साहब। चलिए सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब।